अभी हम हमारे होटल में जा रहे हैं, फिर अभी हम लोग इधर से गंगा मैया के वापस जाएंगे स्नान करने। ये हमारा होटल है जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया है, जहाँ पर बीच में तुलसी माता भी है। हमारा रूम तो ऊपर है लेकिन अभी हम लोग नीचे ऊपर है होटल में, और यहाँ से अभी रथ आ रहा है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। वो देखे इतनी हरिद्वार की स्ट्रीट में रश होती है। ये देखा कितने प्यारा घोड़ा गाड़ी वाला भैया जा रहा है। और ये हमारी स्ट्रीट है पूरी हरिद्वार की, हमारे होटल जहाँ पर है उधर की स्ट्रीट है। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में रथ आते इतना अच्छा लगता है। वृंदावन में देखेंगे ना, हमें तो कहीं खाली ऐसी देख रहे हैं राम भगवान की। अच्छी है ना, ले ले मेरी बात सुन ले। ये देखो क्या आ जाए आप अच्छे ये मैं ले रही हूँ, ये देखें ये मेरी अम्मा ले रही है। कभी लोग हैं, अभी अभी लोग हैं, साइज है पक्का पूरा। हाँ ना, दो प्रभु है ना, दो लेकिन भाई थोड़ा कम तो करें, कम तो कर ही लूंगा। लंबाई सही है, चौड़ाई कम, चौड़ाई से भी ज़्यादा मिलेगी, चौड़ाई से ना ज़्यादा मिलेगी, नहीं ज़्यादा नहीं कम, थोड़ी कम कैसे दो ये साइज है, नहीं वो साइज का है, ये यही है, ये बड़ा है भैया, ये बड़ा है, नीचे आला जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं गंगा मैया से स्नान करके आ रहे हैं। आज खास दिन है गंगा मैया में स्नान करने का। इस आज के दिन जो स्नान करता है इनके पितरों का भी कार्य संपूर्ण हो जाता है। और अब हम आपको गंगा मैया के सामने पहले नंदी का भी आपको दीदार कराएंगे, और ये नंदी भी हमारे साथ मौजूद है। देखें आप, हम आपको दिखा रहे हैं, ये मौज मस्ती के साथ हम लोग जा रहे हैं गंगा मैया का स्नान करने। हम देख रहे हैं आप, जय माता दी। ये इंडियन स्टॉल है, मम्मा को तो हर चीज लेने का दिल कर रहा है। क्यों बहुत कह रही, ये भी दिला दो वो भी दिला दो। लोगों ने कैसा बाजार भरा हुआ है,
और देखना, सब्सक्राइब कमेंट खूब करना। मेरा बस सांस फूल रहा है। अभी जो है जितने जो भक्त हैं हमारे अंदर हो जाओ समाज के, वो सब भक्त आए हैं गंगा स्नान करने के लिए। हम भी पौड़ी और यहीं पर गंगा मैया का सुंदर मंदिर भी है, तो आइए आप सब लोग दर्शन कीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है, आइए महाराज के साथ हम। ये अभी हमारी दुआ में आ गए, बोरा हरिद्वार और ये सब हम मम्मी पापा खड़े। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, हम तो धन धन हो गए। बहुत ही अनेक जगह है ये, और ऐसा लग रहा है कि जीवन का सब जो सफर जो है हमारा पूरा हो गया। अभी हम अभी डुबकी लगाएंगे आपको, इसमें स्नान करेंगे, उसके बाद फिर अपने और भी हमारे बहुत तीर्थ यात्रा है धाम में, जहाँ पर जाएंगे हम आपको दिखाते रहेंगे और बहुत कुछ दिखाएंगे आपको, देखते रहिएगा। और आप देख भी रहे हो बहुत कुछ, और कमेंट सब्सक्राइब करना। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं ना, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम लोग लक्ष्मण झूले में चले गए और उसके बाद फिर हम लोग स्नान भी करेंगे। सारे लोग बैठे हुए हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। आप लोग ये देख रहे हैं कि ये गंगा स्नान कर रहे हैं लोग, बहुत ही पवित्र स्नान है ये, और भगवान की कृपा से आज हम भी आ गए माता रानी के धाम में और स्नान करने के लिए। तो ये तीर्थ धाम आपको दिखा रहे हैं, पूजा करते हैं सारे, और हम भी महाराज जी के साथ आए हैं। नेताजी कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा, मेरा सपना पूरा हो गया यहाँ आने का। ये हमारे पीछे आप देखें पूरे भगवान का यात्रा देखते थे, आज हकीकत में देखा तो बस दिल कर रहा है रोऊंगी नहीं, खुश होंगी। सब स्नान करने के लिए रेडी हो रहे हैं हमारे यात्री, सब स्नान करने के लिए। हरिद्वार है ये, हरिद्वार इतना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा है। ये रे पापा, पापा भी स्नान करने जाएंगे। पापा गंगा में स्नान करने जा रहे हैं, पवित्र स्नान है, माता जी भी हमारे साथ हैं, धर्मपत्नी हमारी, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान
इसी तरीके से जितने भी दुनिया में कपल्स हैं उनको ये मौका मिले और हमारे जीवन में 53 साल बाद ये मौका आया और आज हम यहाँ गंगा मैया के स्नान पर पहुँच चुके हैं और आपको दिखा रहे हैं तीर्थ धाम में हम अपनी यात्रा को सफल कर रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह, अंदर चल 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 निकल जा बैठ जा, कुछ नहीं होगा। कैसा लग रहा है डुबकी लगा आएगी आएगी कुछ भी नहीं होगा, पापा भी है कुछ नहीं होगा। भाई कहाँ हो गया था? डुबकी लगा। डुबकी तो होगी। अब मैं डुबकी लगा ले। बोलो। बहुत अच्छा लगा। डर गई आप तो? गई नहीं पार। डुबकी पानी से बस कर ली स्नान। पापा कर रहे। तू कितना मारेंगे? जय श्री जय हो गंगा मैया की। जैसा कि आपने कहा देखा ये तीर्थ स्थान गंगा मैया का जहाँ हमने स्नान किया है और अपने जितने भी पूर्वज हैं उनके नाम से स्नान किया है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो भी दुख दर्द है हमारे परिवार में उन सबको आज से दूर करे ऐसी आशा रख के हमने तीर्थ यात्रा की है। तो सबको जो और जो लोग देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से उनके भी घर में भगवान आनंदमय हो, उनका जीवन सुखी हो। और देख रहे हैं आप लता में, लता तो जो पानी में जा ही नहीं रही, डर रही है। मैं चाह रहा था कि ये भी स्नान कर लें दूर से, अब ये करेंगी, अब इसको समझाऊँ तो करती हाँ। सब जा रहे जय गंगा मैया। लगा लो यार। नहीं नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, इधर बैठो भाई, इधर इधर बैठो यार, बैठ जाओ भाजी, बैठ जाओ। भजन गा दे पापा का, भजन गा ले। चलो 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 गंगा मैया का। पापा देखो गोपाल को स्नान करने लाइए गा। ओ गंगा मैया पापा हल देखो शादिया करती हूँ आज मुझे गंगा मैया में डुबोया और मैंने गाना भी गाया, भजन भी गाया, स्नान कराया, मुझे डुबोया और बस मेरी दिल की धड़कने भी चल रही है। और सब्सक्राइब कमेंट और ब्लॉग कैसा लगे आप लोग बताना। और बस बहुत बहुत खुश है, महाराज की बेटियों के नसीब बहुत अच्छे हुए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जितने भी हमें देख रहे हैं सबके भगवान की जो भी आपको मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।
नहीं भागी मैं, स्नान करके आ भी गई। देखो अम्मा भी आई, ये देखो मेरी दूसरी बहन भी आ गई। जाओ जाओ, अभी तो बहुत समय है, आप लोग आ गए। अभी मेरी आरती लूंगी। अभी एक छोटू भी स्नान करके आया ठंड में। ये गंगा मैया का पवित्र स्थान है जिसमें आज हमने अपने पूर्वजों के नाम से हमने स्नान किया है यहाँ पर, और अपने पूर्वजों को के लिए प्रार्थना कार्य की है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कार्य की है। और ये चाहते हैं हम ये है कि भगवान की कृपा हमेशा हमारे परिवार में बनी रहे, और जितनी भी तकलीफ है हमारे परिवार में वो सब खत्म हो, हमारे जीवन में अच्छी से अच्छी आशाएँ, और भगवान जो भी परेशानी है हमारे परिवार में वो दूर करें और हमारा जीवन सुखमयी हो जाए, ऐसी कृपा की है करे भगवान। हमारे परिवार पे सदा सबका कल्याण हो। तो आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सब पवित्र गंगा मैया का आप तीर्थ कर रहे हैं, मैया की दर्शन कर रहे हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से। तो भगवान जो भी हमारे चैनल को देखता है, और भगवान उनके भी हम लोग कामना पूरी करें, उनके जीवन को भी सुखमय करें, ऐसी आशा रखते हैं हम। तो धन्यवाद आप लोगों का। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय शंकर। पांडे महाराज हैं जो गंगा मैया के स्थान पे हमें मिले हैं। तो हम इससे पूछते हैं कि इस स्नान करने से क्या संकल्प मिलता है और परिवार में क्या सुख संपत्ति होती है, तो महाराज से थोड़ा सा जानेंगे। तो महाराज जी बताइए। ये गंगा माता का स्नान ध्यान करने से फूल पत्ता चढ़ाने घर परिवार में सुख शांति देते हैं। गंगा माता पितरों के मुक्ति मिलता है, और जो मनोकामना है कायिक वाचिक मानसिक कोई भी ग्रह है दोष है, सारे चीज़ का निवारण गंगा माता से। गंगा माता में तीनों देवी देवता का बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का बात है। महाराज जी ये भी बताइए कि यहाँ पर श्रद्धालु भक्त जितने आते हैं, ये कार्य आपसे संकल्प कराएं तभी संकल्प होगा? ऐसा कुछ नहीं, वो तो यहाँ मृत्यु लोक है, यहाँ जो आ रहा है तो करा के ही जाएगा, हम तो काम करवाएगा। असल में जो कुछ लोगों को मेरे जगह सिर्फ स्नान करके जा रहे हैं, तो वो भी नहीं करा के जा रहे हैं, वो उनको भी फल मिलना उतना ही है। अच्छा, मतलब ये आस्था है। आस्था है, आस्था है। जो आपका भाव नहीं है कराने का, तो नहीं कराओ तो उतना ही भाव मिलेगा। ये आप देख सकते हैं सामग्री, ये सारी सामग्री है। त्रिपुंड मारना है, आप ये देख रहे हैं भोलेनाथ का, माता पार्वती के साथ बैठी है, नंदी भी है और सारे सेवक यहाँ पर मौजूद है। ये सब चीज़ हम आपको दिखाएंगे। ये जब समुद्र मंथन किया था तो महादेव जी ने जब नीलकंठ किया था, ये उसका दिखा रहे हैं।
अभी हमारी यात्रा खत्म हो गई, मतलब हमने गंगा स्नान कर लिया, हम अपने वापस घर जा रहे हैं। ये देखो मैंने महादेव, महादेव का तिलक लगाया। अरे भाई हमने जल्दी से उसको पैसे दे दिए, पीछे रखे हमारे सर के ऊपर जो महादेव का तिलक किया है। तो क्या नाम है बेटा आपका? गगनगिरी। जगनगिरी, गगनगिरी ये यहाँ का सेवादारी बच्चा और सेवा करता है, और ये हमारे चैनल पे भी जरूर आएगा, सब्सक्राइब भी करेगा हमारे चैनल को जरूर। हमारे चैनल का नाम लगता रहे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। कि आपने देखा कि आज हम गंगा मैया के स्थान पे आए थे, यहाँ पे स्नान भी कर लिया और तीर्थ भी कर लिया मत माता का, और इस तीर्थ का लाभ हमारे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं जो हमें उनके भी माता का तीर्थ भी तीर्थ का फल दे और उनके घर में भी खुशियाँ मिल दें, तो सुख शांति हो। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर। रवि जी ने भी मेरी मांग भी यहाँ भरी, तिलक लगाया ना मुझे, तो मेरी मांग भी भरी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम।